जैसे जैसे पुरानी तारीखें गुजर रही हैं, नई नई तारीखें आ रही हैं, इसी के साथ राजनीतिक दलों के दिल की धड़कनें भी बढ़ती हुई चली जा रही हैं। जनता को लुभाने के लिए पार्टियां कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन इसी में आज एक ताजा मामला सामने आ गया है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सुल्तानपुर से उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पर होना है, जिसमें एक रैली को भी पीएम संबोधित करेंगे, जिसमें तकरीबन 2 लाख लोगों की मौजूदगी होगी। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया की ओर से दावा किया गया है कि दरअसल बीजेपी उनके कामों को नाम बदल बदल कर आगे बढ़ा रही है, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो उनकी सरकार के समय में ही पास हो गया था। अब इस पूरे मामले में क्रेडिट लेने की राजनीति कैसे शुरू हो गई है वो जानिए। हाईवे पर इठलाता चल रहा है हरक्यूलिस विमान, आसमान में अठखेलियां कर रहा है लड़ाकू विमान। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर तैयारियां पूरी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब आए, कब करें दीदार, कब करें उद्घाटन, सबको यही है इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सुल्तानपुर के कुरेभार गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद एक भव्य एयर शो होगा। सुखोई राफेल मिराज NN-32 45 मिनट के एयर शो का खास हिस्सा होंगे। नरेंद्र मोदी सबसे पहले यहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद आपको बता दें कि वो उद्घाटन करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। इसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद वायुसेना के ये विमान यहां टच एंड गो का ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, जो तकरीबन आधे घंटे तक का होगा। यहां के जिलाधिकारी से हमारी बातचीत हुई, उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है। और उसके बाद आपको बताते चले कि पीएम का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, जिसमें तकरीबन 2 लाख लोग यहां पर पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ा सा टेंट लगाया गया है, जिसके अंदर बैठने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन उद्घाटन से पहले इसी एक्सप्रेसवे पर जंग छिड़ गई है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आज इसी एक्सप्रेसवे का एक पोस्टर जारी किया और इसे समाजवादी पार्टी की देन बताकर बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। आज तक सवाल पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे का है, इसका भी नाम बदला गया। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो समाजवादी पार्टी की सरकार का विजन था, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काम था जो शहरों को जोड़ता, गाँव को जोड़ता। पूर्वांचल जो हमारा गरीब इलाका है, जो रोजगार के अभाव में नौजवानों को बाहर जाना पड़ता, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से न केवल अर्थव्यवस्था बढ़ती बल्कि नौकरी और रोजगार के भी नए अवसर आते। आधा अधूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है और जो काम समाजवादी पार्टी 4.5 साल पहले कर चुकी, उसी काम को आज सरकार कर रही है। इनके पास कोई नया काम भी नहीं है दिखाने को जनता के लिए। अमित शाह ने कल जैम बोला, आपने आज जैम की नई डेफिनेशन दे दी। उनका जैम है नफरत भरा, उनका जैम है लोगों को दूरियां बढ़ाने का।